तो हिमाचल में जो है हम सबसे पहले जो है फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, यानी कि भौगोलिक परिचय आपका, ठीक है। बीच में अगर मैप दिखाने की जरूरत पड़ी तो मैं गूगल से आपको मैप भी दिखा दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो है सभी ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश का, तो सभी को पता ही है। सभी ने जो है मैप देख रखा है पहले से, सभी ने हिमाचल का मैप देखा है पहले से या नहीं, यस और नो? ओके आई होप आपको स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे मैप विजिबल है या नहीं? चलो शेयर कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है, हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेट भी हो, तो आप जो है देखिए पहले हिमाचल प्रदेश का जो है अच्छे से मैप देख लो, उसके बाद ही हम जो है इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे जो है बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 12 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 12 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये सभी हैं जिसमें चंबा है, लाहौल है, लाहौल स्पीति कहते हैं इसे, किन्नौर है आपका, कुल्लू है, मंडी है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर है, ठीक है। इसी के इन्हीं 12 जिलों के बारे में जो है हम अच्छे से देखेंगे, चाहे उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसके जो है जितनी भी और भी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका इसका ज्योग्राफी का पार्ट ही जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। प्लीज अपने माइक ऑफ कर ले, माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो। तो ये सब चीजें जो है इसमें हम देखेंगे आज के, सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। चलिए, तो आपने जो है ये देख लिया होगा मैप, अब आपको क्लियर हो चुका होगा हिमाचल प्रदेश का जो ढांचा है वो किस टाइप का है, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो है वो हिमाचल प्रदेश किस तरह से है, कौन सी बाउंड्री जो है किसके साथ लग रही है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आपको मैप देखना जरूरी था ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। चलिए अब देखते हैं कि हिमाचल जो है आपका, इसका लिटरली मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल की अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, हिमाचल आपका बना कैसे है, तो दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है, वो शब्द भी देखेंगे अगर, लेकिन हम इसके जो है थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, यानी कि बर्फ का पर्वत, इसको आप जो है बर्फ का पर्वत कह सकते हैं। जैसे ही आप जो है हिमाचल प्रदेश का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सबसे पहले क्या पिक्चर बनती है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स होंगी, ठीक है। जब भी आप कोई प्लेन एरिया में रहकर के आते हैं या सुनते हैं कि हिमाचल जाना है भी, ठीक है, टूरिस्ट एरिया है तो आते हैं लोग, तो हिमाचल जैसे ही आप नाम सुनते हैं सबसे पहले आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है बड़ी बड़ी माउंटेन्स की बनती है, ठीक है, कि माउंटेन्स होंगी वहां पे, हिली एरिया है तो सभी जो है आना भी पसंद करते हैं। तो इस हिल एरिया जो है जिसमें आप रह रहे हैं, हम हिमाचल के बारे में उसमें हम देखेंगे कि हिमाचल होता क्या है, कैसे बना हिमाचल, तो ये दो शब्दों को मिला करके, ठीक है, हिम प्लस आंचल आपका, दो शब्दों को मिला करके बना है, और इनका जो मीनिंग होता है वो देखते हैं पहले कि इसका मतलब क्या होता है। हिम यानी कि आपका बर्फ, स्नो, ठीक है, और आंचल मीन्स आपका पर्वत यानी कि माउंटेन, बोथ लैंग्वेज रहेगी मेरी क्लास की, ठीक है, हिम यानी कि आपका बर्फ, आपकी जो है स्नो, और आंचल मतलब आपका पर्वत, तो इसे जो है हम लैंड ऑफ स्नो माउंटेन्स कह देते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं हिम की, ठीक है, अगर हम बात करें हिम की, तो ये क्या है, स्नो तो हमने बात कर ली, साथ ही साथ में प्योरिटी, व्हाइटनेस, यानी कि
हिम का अर्थ जो है पूरी तरह से अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पवित्रता आपकी सफेदी या निष्कप के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका मीनिंग ये लिया जाता है। इसके बाद आचल की अगर हम बात करते हैं तो आचल जो है आचल स्टैंड फॉर समथिंग स्टेडी और फेथफुल एंड माउंटेन्स, ठीक है, यानी कि ऐसा पहाड़ जहां पे जो है निरंतरता, बलशाली, विश्वसनीयता, श्वेतनशीलता जो है गहराई से हमें जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर जो है एक दृश्य हमारे माइंड में बन जाता है कि बहुत ही वहां पे जो है बहुत पवित्र टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही भोले वाले लोग रहते हैं और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, जिन पे हम जो है आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम इसको मान सकते हैं कि शायद हिमाचल जो है इस तरह से हो सकता है। अब हिमाचल जो है वो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो हिमालय की पश्चिम भाग में है, यानी कि हिमालय किसमें है, पश्चिम भाग, यानी कि आपके वेस्ट में है, किसके, हिमालय के। अब अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, अगर आपने इंडिया का मैप जो है विजिट किया होगा, चलो मैं आपको इंडिया का मैप दिखा देती हूँ कि कहाँ से लेके जो है कहाँ पे जो है आपका हिमालय है। एक मिनट वेट करेंगे, मैं आपको इंडिया का मैप शेयर करती हूँ, ठीक है। इंडिया के मैप में जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है बात जो कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड बात की जा रही है। चलो तो ठीक है, अब देखते हैं इंडिया का मैप, थोड़ा सा पीडीएफ जो है वो आगे पीछे है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो ये आपको जो है मैप दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी जो है हिमालय है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसको हिमालय का एरिया मानते हैं, ठीक है, हिमालय से है ना ये आपकी। अब जो आपका हिमाचल है वो कहाँ करके है, यहाँ करके है, ठीक है, यही करके है ना। तो यहाँ करके जब आपका हिमाचल है तो ये कौन से साइड में हो, जब आप इसको इस तरह से अगर डिवाइड कर देते हैं, चार दिशाओं में अगर बांट देते हैं, फोर डायरेक्शन में इसको डिवाइड कर दें, तो कौन से साइड में हुआ, ये आपका वेस्ट में हुआ, ठीक है, पश्चिम में हुआ। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो आपका हिमाचल है वो आपका वेस्ट पार्ट में है, यानी कि आपका पश्चिम भाग में है, राइट। हाँ बिल्कुल सही दीपक, जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है आप इसको मानते हैं, इसको हम मानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल वेस्ट भी कह सकते हैं या फिर वर्मा तक, ठीक है। तो और साथ में यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है वो कौन सी लगती है, वैसे हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत जो है आप जो है चाइना का ही पार्ट मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों में से जो ऑप्शन आएगा आप उसी के हिसाब से इसको लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये पार्ट समझ आ गया होगा कि जो हिमाचल है आपका वो आपका जो है कौन से साइड में है, कौन से पार्ट में है इंडिया, सॉरी हिमालय के, ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। जल्दी से बताएंगे यस और नो कि क्लियर है या नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, रफ करती हूँ इसको। अब आता है आपका नेक्स्ट, एंशियंट टाइम में जो है इसको हम, एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम इसको जो है देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। आपके मैं कमेंट लूंगी अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा करवा लेती हूँ, उसके बाद देखते हूँ कमेंट, ठीक है। इसके बाद जो आपके एक बहुत ही फेमस कवि है, जो आपके महान कवि हुए हैं कालिदास, कालिदास ने जो है इसको देवात्मा भी कहा है, ठीक है, क्या कहा है, देवात्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा है देवात्मा, तो वो कहा है कालिदास ने। और इसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने कहा कि हिमालय के बारे में हमने बात की, तो अभी जो है हम हिमालय के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि जो हिमालय, जहां पे आपकी ये हिमालय जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो किस तरह से आपका, क्यों वो वहां पे जो है, जैसे अभी आपने कहा कि कश्मीर से लेकर के आप कह रहे हैं कि बर्मा तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब बर्मा तक जो है आपको पता है, अच्छा इसको इंग्लिश में हिमालय को जो है आप फोल्डेड माउंटेन
आप जो है साथ में कॉपी पेन रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन के बारे में देखेंगे, हिमालय के बारे में, तो इसमें जो है कश्मीर वैली से लेकर के ये आपकी बर्मा तक जो है फैला हुआ है, ठीक है, हिमालय का। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है इस हिमालय पर्वत की आपकी, तो ये है 250 मीटर से लेके 300 मीटर तक। और लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ है 2500 मीटर, सॉरी इधर किलोमीटर था, ठीक है, और इधर मीटर। लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 2500 मीटर है। और हिमालय को जो है, जैसे आपको पता है आपके ग्रंथ हैं, जैसे पुराण हैं आपके, ठीक है, तो उसमें जो है हिमालय को जो दूसरा जो नाम दिया गया है हिमालय को, महाहिमबंत के नाम से जाना जाता है। महाहिमबंत के नाम से जो है आपका हिमालय जाना जाता है आपके पुराणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को इसमें, यहां तक किसी को कोई डाउट? न्यू फोल्ड माउंटेन, राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ रिपीट करना हो? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, किलोमीटर में जो था वो आपका था 2500 मीटर है, और जो मैंने चौड़ाई बताई थी वो आपकी किलोमीटर में है, ठीक है, लेंथ आपकी मीटर। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, हो सकता है मैंने नोट करने में गलत कर लिया, ठीक है, ओके, चलो किलोमीटर लिख लो, ठीक है दीपक, ओके चलिए। तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे कि इसके नॉर्थ वेस्ट में जो लगती है कौन सी पीक है। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो वो आपकी नागा पर्वत है, नागा पर्वत, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है पश्चिम में, आपके पश्चिम भाग में जो है आपके नागा पर्वत लगती है। और आपका जो पूर्व में जो है, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं, आपकी जो है नामचा बरवा लगती है। कौन सी पीक है? नामचा बरवा, राइट। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं। अगर हम नागा पर्वत को जो है आगे थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हिमालय में जितनी भी आपके जो रिवर्स हैं जो आती हैं, कि कौन कौन सी रिवर्स जो है आपकी नदियां जो है जो हिमालय से आती हैं गुजरती हैं, तो वो आपकी इंडस होगी सिंधु, ठीक है, आपकी सतलुज होगी, गंडक होगी, गंडक नदी है, अरुण है, कोशी है, करनाली है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये सब जो है हिमालय से प्रवाहित होती है, यहाँ से जो है बहना जो है शुरू होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अब जो आपका इंडिया है, अगर हम भारत की बात करते हैं या फिर हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस देखते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अगर हम हिमालयस की बात करते हैं कि हिमालय के स्थान पर पहले क्या हुआ करता था, हिमालय के स्थान पे जो है पहले क्या हुआ करता था, तो वो आपका टेथित सी था, सी, इसको आप हिंदी में अगर कहें तो टेथिस सागर होता था पहले, ठीक है, हिमालय के जगह पे। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आपकी हिमालय का जो है, हम हिमालय जो है आपकी कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। किसी का माइक ऑन है अभी भी, मेरे को साउंड आ रही है, तो प्लीज ऑफ कर लो, जो भी अगर नया भी स्टूडेंट कोई आया है प्लीज माइक ऑफ कर लो अपना, है ना, क्योंकि साउंड आएगी तो फिर वीडियो में साउंड आएगी। तो जैसे मैंने कहा पहले क्या होता था आपका, टेथित सागर होता था, मैं अभी यहाँ पे टेथित सी डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है। ये जो है
केथित सागर के ऊपर जो है अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड। लिख लेना, नोट कर लेना इसको, गोडवाना लैंड की बात करते हैं। गोडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो क्या था इसमें, जो आपका भारत होता था, जो आपका भारत था अगर हम 10 करोड़ वर्ष पहले की बात करते हैं, 10 करोड़ ईयर एगो की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम जो है जो आपका इंडिया था वो आपका कोई अलग से, या अगर हम कहें जैसे आज जो है, आज के टाइम में क्या है, इंडिया एशिया का है ना, एशिया का पार्ट है, एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो इंडिया जो है अफ्रीका हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका और अंटार्कटिका, ठीक है, इनके साथ जो है सटा हुआ था, ठीक है, इनके साथ जो है टच होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो है वहां से जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से जो है वहां से खिसकना शुरू हो गया और वो कहीं ना कहीं जा करके एक टाइम ऐसा आया 10 करोड़ साल पहले कि वो जो है आकर के आपके एशिया में मिल गया। अब एशिया में अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख, लद्दाख जो है आपका प्रेजेंट में, लद्दाख के लाटो जगह पर जाकर के जो है भारत का जन्म माना जाता है कि वो वहां पे जो है आकर के सट गया, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1500 साल पहले 15,000 ईयर से लेकर के 20 ईयर्स की बात अगर हम पहले की बात करते हैं तो जैसे आपका किन्नौर हो गया या फिर आपका लाहौल स्पीति है, जो आपका शिमला का चौपाल वाला पार्ट है, वो पहले जो है टेथित सी के ही पार्ट माने जाते थे, ठीक है, वो आपके जो है टेथित सागर का ही जो है भाग माने जाते थे। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हिमाचल पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए टेथित सागर से रिलेटेड भी। तो इसमें जो है जो चौपाल, लाहौल स्पीति और किन्नौर है, ये पहले भी 1500 साल, ठीक है, और 2000 साल जो है पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है इसी का पार्ट हुआ करते थे। और अगर हम इस गोडवाना लैंड की अगर मैंने बात की तो इसका हमें आज भी देखने को मिलता है कि जो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहां पे आज भी जो है गोड जनजाति पाई जाती है, ठीक है, गोड जनजाति जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। थोड़ा जल्दी बताएंगे, ओके, चलो ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नागा पर्वत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, नागा पर्वत, नागा पर्वत जो है आपकी किस में बताई थी मैंने, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में बताई थी ना, यानी कि पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है ये, पीक है ये, ठीक है, पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च शिखर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ये जो है इसकी अगर हम बात करते हैं कि कितनी है इसकी हाइट, तो इसमें जो है अगर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 8126 मीटर, ठीक है, और अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो बुक के हिसाब से देखें तो बुक में जो हमें 8176, ठीक है, और ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से कंट्री में है, तो दियामेर है या जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट, देख लेना प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक बार देख लेना, पाकिस्तान में है ये आपका। और इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है तो ये 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की जो है सबसे 9th पोजिशन पे है ये, विश्व लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है।
तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और वैसे भी ये आपको जो है पश्चिमी हिमालय की जो है वो शिखर है, तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। इसके बाद अब आते हैं हम हिमाचल पे। ये सब कुछ जानने के बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल की। ये है आपका प्यारा हिमाचल, इसको हम डिवाइड करेंगे अब चार दिशाओं में, ठीक है, फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो इस ये है आपका नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसमें जो है अगर हम बात करें नॉर्थ में, हिमाचल के नॉर्थ में जो है तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, ईस्ट में है आपका तिब्बत, साउथ में है आपका हरियाणा और यहाँ पे जो है आपका वो है आपका उत्तराखंड या यूके। फिर आपका आता है पंजाब, ठीक है, क्लियर है। इसको मैप के थ्रू भी दिखा सकती थी लेकिन अभी मैप है नहीं, क्लियर है इतना। देखो दीपक, पीओके की बात नहीं करेंगे अभी हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा जो है उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी था, लेकिन हम जो है आईआर नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम आईआर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, तब इनको हम देखेंगे अदर कंट्रीज के साथ, राइट? ओके, क्लियर है सभी को डायरेक्शंस। और पता होना चाहिए कि आपको जो है साथ में कौन से स्टेट लगते हैं हिमाचल के साथ, जो है कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से स्टेट हैं, ये क्लियर होना चाहिए बाउंड्री से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, तो 21st प्लेस है आपका इंडिया में, ठीक है, 21st प्लेस, यानी कि 68 लाख के जो है अप्रोक्सीमेट जो है इतनी इसकी जो है पॉपुलेशन है, 21st प्लेस यानी कि 21वां स्थान। इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करते हैं, तो 18th प्लेस है इसका। और पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश की, सॉरी एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार पूछ लिया जाता है बहुत से बेसिक एग्जाम में। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जीडीपी, अगर हम बात करते हैं तो 22nd पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अध क्वेश्चन इसमें से आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को किसी तरह की कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिमाचल का जो अच्छा, ये तो चलो मैंने बता ही दिया आपको कि हिमालय से जो है इसका नाम लिया गया है, ठीक है, देख लो, हिमाचल टेक इट्स नेम फ्रॉम द हिमालयस। अब नॉर्थ में हमने बात की, अब जो बाउंड्रीज हमने देखी है उसके बारे में देखें थोड़ा सा, ठीक है। कोई किसी का माइक होना प्लीज रिक्वेस्ट है, माइक ऑफ कर लो, कोई नया स्टूडेंट आया शायद। चलिए, नॉर्थ में हमने बात की कि आपका कश्मीर है, ठीक है, यही बात की ना कि कश्मीर है आपका नॉर्थ में। तो कश्मीर को जो है किस नाम, किस चीज से जाना जाता है, और वैली ऑफ सफ्रॉन या फिर चिनार प्रदेश,
ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं कई बार फैक्ट, तो ये बता देती हूँ मैं आपको। इसके बाद हमने साउथ ईस्ट में बात की, साउथ ईस्ट में कौन सा था फटाफट कमेंट करके बताओ, साउथ ईस्ट में कौन सा था? साउथ ईस्ट में हमने देखा आपका उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसे कहते थे, तो ये जाना जाता है आपका द लैंड ऑफ होली गंगा। यानी कि गंगा की पवित्र धरती। नेक्स्ट है आपका साउथ में, साउथ में हमने बात की हरियाणा की। अब हरियाणा जो है द प्लेन ऑफ कुरुक्षेत्र ऑफ महाराष्ट्र बैटल, तो सभी को पता है कि जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, द प्लेन ऑफ कुरुक्षेत्र ऑफ महाभारत बैटल, महाभारत बैटल जो हुई थी वो यहीं पे हुई थी। इसके बाद जो है वेस्ट था आपका, वेस्ट में हमने बात की पंजाब की, वेस्ट में जो लगता है हिमाचल के वेस्ट में जो है वो आपका पंजाब है, और इसको जाना जाता है द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है बट इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका कौन सा था, तो वो था आपका तिब्बत, और ये जो है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ठीक है, तिब्बत जो है जो चीन में है वो जो है आपकी अब क्या है इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, और इसको जाना जाता था लैंड ऑफ लामा, लैंड ऑफ लामा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लैंग्वेज बोल रही, दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, लिख चाहे इंग्लिश में भी रही हूँ लेकिन हिंदी में भी साथ में बता रही हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो आप जो है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है, धीरे बोलूंगी ताकि आपको समझ भी आ सके। अब ये तो देख ली हमने कि ये चीजें जो जो हमने बात की, जितने भी हमने यहाँ पे स्टेट जो है अभी डिस्कस किए, ये सारे तो हमने देख लिए कि इनको जो है और किन किन नामों से जाना जाता है, चाहे वो कश्मीर हो, यूके हो, आपका हरियाणा हो, या फिर पंजाब हो, या फिर तिब्बत हो, इनको तो हमने देख लिया और अन्य नामों से किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बार जो है एचएस की प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है द ग्रीनरी ऑफ इंडिया वाला, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात की गई थी पंजाब की, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है, अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जिले जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बाउंड्रीज जो लगती है अदर स्टेट के साथ, वो कौन कौन से स्टेट के साथ कौन कौन सी लगती है। वैसे तो ये जो है ज्यादातर अच्छी तरह से मैप में अच्छी तरह से समझ आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ लिखवा देती हूँ, कल आपको मैप भी इसके रीड करवा दूंगी। इसमें जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में जो है आपकी मैप रीडिंग भी रहेगी, ठीक है, पहले तो हम इंटरनेशनल देखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री जो लगती है वो किसके साथ लगती है, चाइना के साथ, यानी कि तिब्बत। कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं यहाँ पे, तो आपका किन्नौर लगता है, फिर आपका जो है लाहौल स्पीति लगता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है, तो ये दोनों लगते हैं, यानी कि 1170 मीटर में से जो है 200 किलोमीटर जो है, सॉरी किलोमीटर ही आएगा यहाँ पे भी, है ना, थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया, जो है वो बाउंड्री जो है किसकी लगती है, 200 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो कश्मीर सॉरी आपकी जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो है वो लगती है आपकी तिब्बत के साथ। अब नेक्स्ट आपकी आती है उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ, यूपी के साथ जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो वो आपका सिरमौर लगता है। नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड के साथ, वो जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उत्तराखंड के साथ वो लगते हैं आपके एक किन्नौर, फिर शिमला एंड सिरमौर। अभी हम सिर्फ यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, अभी मैंने तहसील नहीं बताई है कि किन्नौर की कौन सी तहसील लगती है या शिमला की कौन सी तहसील लगती है, सिरमौर की कौन सी लगती है, सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरियाणा आता है, देखती हूँ आपके कमेंट, वेट करो। हरियाणा जो है, हरियाणा में कौन से
कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हरियाणा के साथ? तो वो लगते हैं आपके सोलन और सिरमौर। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पंजाब है। तो पंजाब में जो आपके पंजाब के साथ जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो है हिमाचल प्रदेश के जो लगते हैं, वो लगते हैं आपका एक तो सोलन लगता है, एक बिलासपुर। इसको मैप में जब करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ऊना, फिर कांगड़ा, फिर आपका चंबा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो है आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है? तो वो आपकी होती है एक चंबा की और एक कांगड़ा की, ठीक है। तो ये सारी बाउंड्री जो है आपकी लगती है अदर स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश जो बाउंडेड है आपका, वो कितने कितने एरिया में है? हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन तो वो है आपका 30 degree 22 minute to 33 degree 12 minute नॉर्थ लैटिट्यूड। प्लीज माइक ऑफ। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी कि आपका उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में जो रहता है हिमाचल प्रदेश, 30 minute 22 seconds और से लेकर के 33 minute 12 seconds उत्तरी अक्षांश। अच्छा, अब आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा, उत्तरी अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 15 degree 47 जो है मिनट टू 79 degree 4 seconds ये है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बार क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एलाइड में भी पूछा गया, एचएस में भी पूछा गया, सब बहुत से पेपरों में ये पूछा गया है और हम अक्सर इसको गलत करके आते हैं। ये है आपका पूर्वी देशांतर। कौन सी होती है लॉन्गिट्यूड वाली? लॉन्गिट्यूड वाली जो ऐसी ऐसी वाली लाइन होती है, ठीक है। लैटिट्यूड वाली जो इस तरह से लाइन होती है, जब भी आप ग्लोब देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा ज्योग्राफी में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की एचपी के एरिया की, अगर हम आकार की अगर बात करें, ठीक है, आकार की, साइज की, आकार की बात करते हैं, तो जैसे केरला हो गया आपका, मणिपुर है आपका, मेघालय है आपका, सिक्किम है, नागालैंड है, हरियाणा है, मिजोरम और पंजाब, ये जितने भी मैंने बताए, इन सबसे बड़ा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका आकार में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पता होना चाहिए। क्लियर है इतना सभी को? किसी को कोई डाउट यहां तक? क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, एक मिनट से भी कम टाइम बचा है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जब भी क्लास होगी कल। नेम